Hey guys, स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां आज हम अपनी सीरीज व्हाट इफ टोनी सर्वाइव द स्नैप के थर्ड एपिसोड में आपको बताएंगे कि आगे क्या हुआ। अब ये थर्ड एपिसोड है तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इससे पहले के एपिसोड्स भी देख ले, ताकि आपको समझ में आए कि इस कहानी में क्या चल रहा है। पुराने एंड नए व्यूवर्स के लिए एक छोटा सा रिकैप कर देता हूँ, ताकि दोनों कॉट अप हो जाएं। सो गाइस, हमारे कहानी में टोनी स्नैप के पास स्टोन्स के मदद से बच जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि एक सीक्रेट इन्वेजन होने वाला है अर्थ में, जिसको रोकने के लिए उन्हें अंडरकवर जाना होगा। सो वो अपना मौत का फेक नाटक करते हैं, जैसे निक फ्यूरी ने किया था विंटर सोल्जर मूवी के अंदर। बट टोनी को मजबूरी में सबके सामने आना पड़ता है, क्योंकि मिस्टीरियो एडिथ का मिसयूज कर रहा था एंड स्पाइडरमैन खतरे में था। इन द एंड टोनी एंड स्पाइडी मिलकर सब कुछ संभाल लेते हैं, बट मिस्टीरियो उनसे एक कदम आगे निकलता है, जो पीटर को ना सिर्फ फंसाता है, साथ ही साथ आयरन मैन जिंदा है ये रिवील कर देता है, प्लस स्टार्क इंडस्ट्रीज के कुछ कांड के बारे में भी बताता है, जो कि ओबाडिया स्टैन ने किया था, बट उसका इल्जाम मिस्टीरियो टोनी पे डाल देता है। अब आगे क्या हुआ, चलिए जानते हैं। सो निक फ्यूरी, जो स्वॉर्ड के स्पेस स्टेशन में थे, वो अर्थ आते हैं एंड टोनी से कहते हैं कि टोनी, क्या जरूरत थी तुम्हें मिस्टीरियो एंड स्पाइडी के लफड़े में पड़ने की। जिस पर टोनी कहता है कि कैप्टन ने कहा था कि मामला सीरियस है, एंड मेरे स्पेस से अर्थ में आते आते मैंने देखा कि मिस्टीरियो मेरे ही एडी ड्रोन्स को यूज करके तबाही मचा रहा है। निक फ्यूरी कहता कि उन सब को हैंडल करने के लिए हमारे लोग थे, तुम्हारे इस गलती के वजह से तुमने जो मरने का नाटक किया था वो पूरी दुनिया के सामने राज खुल चुका है, और उसने तो तुम्हें उन क्राइम के लिए फ्रेम कर दिया है जिसमें तुम्हारा कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं था। टोनी कहता है कि हाँ, मालूम है मुझसे गलती हो गई है, लेकिन मुझे तुम ये बताओ कि सिर्फ प्रॉब्लम ही बताओगे या सॉल्यूशन भी। जिस पर निक फ्यूरी कहता है कि ऑलरेडी उस पर काम चल रहा है, जिसके बाद से फ्यूरी टीवी चालू करता है, जिस पर हमें दिखाया जाता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है पेपर द्वारा, जहां वो स्टार्क इंडस्ट्रीज के बिहाफ में ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रही है कि भले ही लंदन वाले हमले में हमारे ड्रोन्स इन्वॉल्व थे, बट उसको यूज करने में टोनी या पीटर का किसी का भी हाथ नहीं था। जिस पर मिस्टीरियो वक्त कहते हैं कि तुम झूठी हो एंड अनाप शनाप बोलने लगता है, कि तभी सिक्योरिटी उन लोगों को बाहर ले जा रहे होते हैं कि वहां पे आयरन मैन का सूट आता है, हेलमेट खुलता है तो उसमें टोनी रहता है, जिसके बाद से सब शॉक्ड हो जाते हैं। कि तभी टोनी कहता है कि वैसे तो मैं एंट्री धमाकेदार करना चाहता था, बट सोचा नहीं था कि ऐसे हालात में आना पड़ेगा। उसके बाद वो कहता है कि सबसे पहले तो मेरे ऊपर मिस्टीरियो द्वारा लगाए गए इल्जाम बेबुनियाद हैं, क्योंकि मेरी कंपनी सिर्फ आर्मीज के लिए वेपन्स बनाती थी, एंड जो वेपन्स टेररिस्ट के पास मिले थे वो ओबाडिया स्टेन के वजह से मिले थे। मैंने अपना वेपन डिवीजन उसी दिन बंद कर दिया जिस दिन मैंने ये ऐलान किया था कि आई एम आयरन मैन, बिकॉज आयरन मैन कोई वेपन नहीं बल्कि मैं ही आयरन मैन हूं। इसके बाद टोनी कहता है कि पीटर ने भले ही एडिट ड्रोन्स को शटडाउन करने का आदेश दिया था, जिसका क्लिप पब्लिक किया गया, बट उसको ऑन मिस्टीरियो ने किया था। फिलहाल मेरे पास कोई ठोस प्रूफ तो नहीं है, क्योंकि उसने कोई सुराग नहीं छोड़ा है, बट उससे एक गलती हो गई। कि तभी एक रिपोर्टर पूछती है कि तुमने ये ड्रोन्स क्यों बनाए, जिस पर टोनी कहता है कि ये ड्रोन्स बनाए थे मैंने अर्थ के सेफ्टी के लिए, इन केस फ्यूचर में एलियन इन्वेजन न्यूयॉर्क के जैसे फिर कभी हो तो उसके लिए हम प्रिपेयर रहे। अल्ट्रॉन प्रोग्राम में मैंने AI डालने की गलती की थी, जिसके वजह से सुकोविया में एक एक्सीडेंट हुआ, इसीलिए मैं ऐसे ड्रोन्स बनाए जो कि ह्यूमन के कमांड पे ही काम करे। जब थैनोस आया था तब मैं उसको यूज करने का सोचा था, बट सॉर्सरर सुप्रीम एंड बाकी सॉर्सरर की मेहरबानी के वजह से हमें दूर दराज से एलियंस से भी मदद मिले थे, और ऐसे में मैं अगर उन ड्रोन्स को ये कमांड देता कि जाके एलियंस को टारगेट करो, तो हो सकता था कि हमारे साथ देने वाले एलियंस भी मारे जाते या फिर चोटिल हो जाते, इसीलिए मैंने उनको यूज नहीं किया। एंड हाँ, ऐसा मत सोचना कि मैंने नोटिस नहीं किया कि जैसे ही मैंने मिस्टीरियो की गलती की बात की तभी आपका सवाल आया। मैं यहाँ पूरी तरह से प्रिपेयर्ड आया हूँ, इसीलिए मिस्टीरियो की बातों को पहले मैं डिबंक करता हूँ। सबसे पहले तो मैंने अपने ड्रोन्स में ये इल्यूजन टेक डाला ही नहीं था। बार्फ, जिसको मैंने मेंटल पीस के लिए बनाया था, उसको सिर्फ दो ही जगह तक सीमित रखा था। पहला जो मेरे पास था, जिससे मैं अपने मेंटल पीस के लिए यूज करता था, और उसका एक वर्जन हमारे एवेंजर्स हेडक्वार्टर में था, जहां एवेंजर्स प्रैक्टिस करते हैं एक वर्चुअल रियलिटी के अंदर, लेकिन वहां भी हमने ड्रोन्स को इन्वॉल्व नहीं किया था। ये इल्यूजन बनाने का आइडिया पिच किया था बेक ने, जिसमें हमने साथ में काम किया, एंड मेरे अलावा सिर्फ वही है जो इसको बना सकता है। सो हमें पता है कि असली मुजरिम कौन है। बेक को पकड़ने के लिए कैप्टन अमेरिका गए तो थे,
जो कि अभी मरने की कगार में है और अभी हॉस्पिटल में है। बेक ने ना सिर्फ आपको बल्कि हमें भी बेवकूफ बनाया, क्योंकि अगर बेक मरता तो उसकी बॉडी मिलती, जो कि नहीं मिली, मतलब कि वो जिंदा है। प्लस जे जोना जेमसन को उन ड्रोन्स के इवेंट्स के कुछ समय बाद ही सारे क्लिप्स मिल गए थे, मतलब कि इसको भेजने वाला भी कोई था। तो हो सकता है कि बेक के साथ इसमें कोई और भी इन्वॉल्व है। पीटर को एडिट मिलती है उसके यूरोप ट्रिप से पहले, जबकि मिस्टीरियो उससे पहले ही हमें कई जगह पे देख चुका था, मतलब कि उसके पास ये ड्रोन्स और ये इल्यूजन बनाने के टेक पहले से थे। अब जो ड्रोन्स उसने बनाए थे वो सॉर्ट ऑफ काफी सिमिलर है हमारे टेक से, जिससे हम इस कंक्लूजन में पहुंचे हैं कि इस इवेंट के पीछे हमारे किसी एक्स एम्प्लॉय का हाथ है, इसीलिए हम इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। सो आप देख सकते हैं कि पीटर बेगुनाह है एंड लंदन में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे स्टार्क इंडस्ट्रीज का हाथ नहीं है, बल्कि कुछ क्रिमिनल्स का हाथ है जिसको पकड़ने के लिए मैं लगा हुआ हूँ। इसके बाद टोनी कहता कि आप सोच रहे होंगे कि मैंने मरने का नाटक क्यों किया, तो गाइस मैंने मरने का नाटक नहीं किया, बल्कि मैंने टोनी बनने का नाटक किया, क्योंकि टोनी स्टार के जाने के बाद से एक क्राइम एक्टिविटीज काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिसको मैं रोकने में लगा हुआ था और उसको काफी हद तक रोक भी दिया था, लेकिन ये मिस्टीरियो आउट ऑफ नोवेयर आकर एक बहुत बड़ा तमाशा कर गया, जिसके बाद से टोनी अपने फेस से एक मास्क उतारता जैसे नताशा ने विंटर सोल्जर में हटाया था, और हम देख पाते कि ये टोनी स्टार्क नहीं बल्कि हार्ली कीनर है, जिसको आप लोगों ने आयरन मैन 3 में देखा था। हार्ली बताता कि टोनी ने उसको एडिट का कंट्रोल दिया था, बट जब उसने पाया कि पीटर उससे ज्यादा वर्दी है तो उसने वो पीटर को दे दिया, जिसके बाद से पीटर से बेक ने इस एडिट ड्रोन्स का कंट्रोल ले लिया और यहीं पे गड़बड़ हुई। मैं अपने जिम्मेदारियों से भागा एंड उसी के वजह से ऐसा हुआ, इसीलिए मैं माफी चाहता हूँ। मैंने अभी तक तो अपने मेंटर टोनी को फॉलो करने के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसके वजह से मैं नेक्स्ट आयरन मैन बनूं, बट हाँ मिस्टीरियो के वजह से जितने भी लोग सफर किए हैं उन सबको मैं इंसाफ दिलाऊंगा, क्योंकि उसने ना सिर्फ मेरे मेंटर आयरन मैन के नाम पर कीचड़ उछाला है, बल्कि कैप्टन को भी हॉस्पिटल पहुंचाया है, जिससे ये मैटर अब पर्सनल हो गया है। स्टार्क फैमिली एंड पीटर को परेशान ना किया जाए, क्योंकि अभी मैंने जो भी कहा उन सब बातों का प्रूफ मैंने पब्लिक कर दिया है, जो कि आपको इंटरनेट में आसानी से मिल जाएगा, ताकि जनता भी जाने कि सच क्या है। मैं चला मिस्टीरियो को पकड़ने एंड फिर हार्ली वहां से उड़ जाता। टोनी जो इतने देर से फ्यूरी के साथ टीवी देख रहा था वो पूछता कि हार्ली इतना बड़ा कब हुआ, जिस पर फ्यूरी बताता कि तुम्हारा ये बहुत बड़ा फैन था, प्लस इंटेलिजेंट भी था, कमी थी तो रिसोर्सेज की, जिसको हमने प्रोवाइड किया ताकि अगर कभी एवेंजर्स बागी हुए तो इसे मैं इस्तेमाल कर सकूं। टोनी कहता है कि क्या तुम इस बच्चे को हमारे अगेंस्ट यूज करते। फ्यूरी बताता कि इस बच्चे को कम मत समझो, क्योंकि इसने ना सिर्फ हर एक एवेंजर्स की कमजोरी ढूंढ निकाली, बल्कि कैसे हर एक एवेंजर्स को न्यूट्रलाइज किया जाए वो तक हमें बताया। टोनी थोड़ा कंफ्यूज्ड होके फ्यूरी से पूछता कि इसकी क्या जरूरत थी, जिस पर फ्यूरी कहता कि सिविल वॉर के बाद से तुम एंड कैप्टन बच्चों के जैसे लड़ रहे थे एंड मुझे लगा कि अगर कोई आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो उसे कंट्रोल में लाने की जरूरत पड़ सकती है, तभी मैंने हार्ली को यहां पे कंटिजेंसी प्लान बनाने को कहा हर एक एवेंजर्स के लिए। ये मेरा सीक्रेट वेपन था जिसको अभी ही यूज करना पड़ गया तुम्हारी गलती के वजह से। टोनी कहता कि अब क्या जिंदगी भर ताना मारोगे, तो फ्यूरी टोनी के हाथ में फाइल थमाता एंड कहता कि ये है हार्ली की रिपोर्ट तुम्हारे बारे में, जो भी कमियां है तुम्हारे सूट में उसको ठीक करो, क्योंकि मुझे जंग में कमजोर सिपाही नहीं चाहिए, एंड हाँ जब तक कैप्टन ठीक नहीं होते तब तक अर्थ वाले बेस को तुम संभालोगे, मैं वहां की रिपोर्ट्स भी तुम्हें भेज दूंगा। टोनी फाइल को खोलता एंड उस रिपोर्ट पे पढ़ता तो वो शॉक्ड हो जाता, क्योंकि हार्ली ने बिल्कुल सटीक कमजोरियां निकाली थी जो कि उसके मार्क 85 में था। टोनी स्माइल करता एंड कहता कि अच्छा काम किया बच्चे, एंड इसी के साथ एपिसोड खत्म होता। आई नो ये वाला एपिसोड मोस्टली एक्सप्लेनेशन में चला गया, बट पीटर की मदद करके जो रायता टोनी ने फैलाया था लास्ट एपिसोड में उसको भी सुलटाना था, प्लस मुझे हार्ली को भी इंट्रोड्यूस करना था एज मेजर कैरेक्टर, जो कि आगे जाके रिवील होगा। अगला पार्ट इसका डील करेगा कि व्हाट इफ आयरन मैन वाज इन नो वे होम, जिसमें मैं मोस्टली टोनी के साइड वाले के ही बारे में बात करूंगा, और जो नो वे होम की कहानी है वो ऑलमोस्ट वैसे ही चलेगी विद लिटिल बिट ऑफ चेंजेस। लेकिन अगर आप सच में ये जानना चाहते हैं कि क्या होता अगर आयरन मैन नो वे होम का पार्ट होता, तो उसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि जो इस सीरीज का पार्ट बनने वाला वीडियो है उसकी कहानी थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। तो जब तक हमारा अगला पार्ट नहीं आता तब तक आप हमारे दूसरे व्हाट इफ भी एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।